हाय बडीज, रोहित राज हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हाँ, तो वो उस गैराज से जो जर्नी शुरू हुई थी, वो जो हम लोगों ने टायर चेंज करवाया था, पंक्चर वाली दुकान, पंक्चर की दुकान तो लग नहीं रही थी हमारे इंडिया में, कैसे पंक्चर की दुकान कुछ अजीब तरीके की होती है, यहाँ कुछ अजीब तरीके की। एनीवेज, तो उस गैराज से जो जर्नी शुरू हुई थी, वो जर्नी रुकी है आके समंदर के किनारे। साउथ कैरोलिना इस जगह का नाम है, और इस कैंपिंग ग्राउंड का जो जहाँ पे हम लोग रुके हैं, इसका नाम है मार्टल बीच। तो ये मार्टल बीच का कैंपिंग ग्राउंड है, और दो मिनट भी नहीं, ना दो मिनट ज़्यादा बोल गया मैं, 30 सेकंड बस ये क्रॉस करना है और उस तरफ समंदर है। पहाड़ों से होते हुए, गुफाओं से होते हुए, और सारी जगह से होते हुए, रोड से होते हुए जर्नी आ चुकी है अब समंदर पे। तो अब जर्नी शुरू हो गई है समंदर के बीच की, अब बीचेस पे जाएंगे। और हमारे साथ कौन है? एवनीशा, एवा, टीन गर्ल, और साथ में कौन है? स्काइलर, नॉटी गर्ल। तो क्यूट गर्ल और नॉटी गर्ल का जो है फाइट भी चलती रहेगी, वो कैसे प्ले करते हैं साथ में वो भी चलता रहेगा, वो सब साथ में चलेगा। बीचेस पे कैसे खेलते हैं, स्विमिंग पूल है यहाँ पे मार्टल में, जो मार्टल बीच है इस यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे लेक है, समंदर तो है ही, उसको तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को, और हज़ारों हज़ारों यहाँ पे स्टेशंस है। और उसमें कम से कम मुझे, जबकि ऑफ सीज़न है ये, फिर भी अगर आपको दिखाऊँ तो 500 या 700, ये तो छोटा सा एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, चारों तरफ आरवी ही आरवी, 500-700 तो मैं देख सकता हूँ। लेकिन ये कैंपिंग ग्राउंड के जो स्टेशंस की जगह है, मैंने बताया था कि स्टेशन वहाँ जहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आप पार्क करते हैं उसको स्टेशंस कहते हैं यहाँ पे, तो वो हज़ारों हैं। 500-700 भी तो मैं देख चुका हूँ। बहुत एडवेंचरस जर्नी होने वाली है, बहुत खूबसूरत जर्नी होने वाली है। सो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं पहुंच चुका हूं मार्टल बीच पे, साउथ कैरोलिना का मार्टल बीच। जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पहाड़ों की जर्नी हो चुकी है, गुफाओं की जर्नी हो चुकी है, और ज़मीन की जर्नी हो चुकी है, हाईवेज़ की जर्नी हो चुकी है, और हम लोग अब पहुंचे हैं बीच पे। बहुत खूबसूरत बीच है, बहुत साफ़ सुथरा बीच है, और हर 15 से 20 मिनट में या आधा घंटे में एक गाड़ी आती, सफ़र आता है, वो पूरी चीज़ें क्लीन करते हुए ले जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के लोग गंदगी फैलाते हैं, वो अपनी ड्यूटी करता है, लेकिन यहाँ के लोग अगर वो कुछ चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे पिकनिक करते हैं, तो पेपर्स हो या फिर प्लास्टिक्स हो,
वो सारी चीज़ें वो अपने साथ बटोर कर ले जाते हैं और डस्टबिन में फेंकते हैं, वहाँ डस्टबिन है रखा हुआ वहाँ डालते हैं, एक बिल्कुल एक भी चीज़ यहाँ नहीं डाल। तो हम लोगों को भी अपने बीचेस पे इतनी सफाई रखनी चाहिए। मैं जब मैं मुंबई के बीचेस पे जाता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ, चाहे वो जूही बीच हो, चाहे वो मरीन ड्राइव हो, चाहे वो आप कह सकते हैं मडालैंड का अक्षा बीच हो, या कहीं पे भी हम जाते ज़रूर है, पिकनिक करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, गंदगी फैला देते हैं। वो हम अपनी ड्यूटी नहीं समझते कि हम उस चीज़ को उठा के ले आएँ। और ऊपर से गुस्से की बात ये है कि हम लोग जो है, गणपति हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हम लोग अपने बीच को गंदा करेंगे ही करेंगे। थोड़ा सा साइंस का यूज़ कीजिए, क्यों मूर्तियों को डुबोना यार। वही मूर्तियाँ तैर तैर कर इधर आती है, सुबह हाथ अलग होते हैं, धड़ अलग होता है, शरीर अलग होता है, उस पर लोग चल रहे होते हैं, कुत्ते चाट रहे होते हैं, आप लोग समझ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। गंदगी फैलाना हमारा अधिकार, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, ब्लॉग है, पता नहीं कितने लोग नाराज़ हो जाएंगे और छोड़कर चले जाएंगे मेरे चैनल को, लेकिन आई डोंट केयर अफ, ओके, आप समझ गए। तो मुझे बहुत बुरा लगा। अब आप देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, ये पानी नहाने के लायक है, लोग बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और हम लोग क्या करते हैं, गटर बना दिया है। बेसिकली मैं मुंबई की बीच को गटर बोलता हूँ, नाला हमने वो कर दिया। गोवा एक बचा हुआ है, गोवा भी जाते हैं तो वहाँ भी हम लोग हद मचाते हैं। खैर, थोड़ा सा गोवा का सिस्टम अच्छा है तो वो लोग क्लीन करते रहते हैं। बट एनीवेज, मेरा मकसद लेक्चर देना नहीं था, लेक्चर आ गया बीच में क्योंकि मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। तो ये बीच है, लोग बैठे हुए हैं चेयर्स में, चिल कर रहे हैं। भाई चिल मारना भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, जैसे मैं मार रहा हूँ, पहले पहाड़ पे, फिर जंगलों में चिल मार के आया, फिर हाईवेज पे चिल मारा, फिर गुफाओं में जाके चिल मारा, अब समंदर के बीच में हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ से जर्नी बीचेस की शुरू होती है। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों के इसके बाद कि मैं कहाँ रुका हूँ और इस मार्टल बीच में जो कैंपिंग ग्राउंड है उसमें क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज उन्होंने दे रखी। चले देखें, लेट्स गो।